हम लोग यहाँ पे हावड़ा ब्रिज के जो आपको कुछ व्यू दिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टैमन, बैक अगेन विद द न्यू वीडियोस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आज का वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता, जैसे कि आज कोलकाता का सारा सीन शॉट दिखाने वाला हूँ और कुछ अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ है और आज का जो भी होगा, मतलब जहाँ भी घूमेंगे और जहाँ भी हम लोग जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे कि क्या है हावड़ा ब्रिज के बारे में और सारा चीज़ वहाँ पे डेफिनेशन, सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई प्लीज़, ठीक है, और शेयर करना और कमेंट्स करना, भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते आप लोग को सीधा आगे, अब मिलते आप लोग को सीधा कोलकाता। हाँ ब्रिज, ये देख रहे हो ना आप, ये आप देख रहे हो कोलकाता की, ये हावड़ा ब्रिज है। अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज पे चढ़ेंगे, सारा टूर का आप लोगों को मैं दिखाएंगे, बाकी आप यहाँ से सारा चीज लोकेशन देख सकते हैं। देखा ना, हम लोग एक अच्छा सा फोटो लेके छोड़ देते हैं। वेलकम टू हावड़ा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे कोलकाता में, यानी कि अभी हम लोग हैं हावड़ा ब्रिज के पास। जैसा कि अभी यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में आपको नदी नज़र आ रही है और इस साइड में अपना ब्रिज है, देख सकते हो। अभी यहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ पे घूमने में भी अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अभी हम लोग और भी थोड़ा आगे जाएंगे घूमेंगे, तो वीडियो बने रहना पूरा। ये हावड़ा ब्रिज का मैं पूरा आपको लोकेशन दिखाने वाला हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे जूलॉजिकल, ये देख सकते हो आप लोग क्या हुआ, जूलॉजिकल गार्डन एनकोर कुछ है ये, मतलब एक यहाँ का चिड़ियाघर है। और यहाँ पर देख सकते हो आप 25 दिसंबर की वजह से यहाँ पर कितना भीड़ है और कितना क्राउड है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्राउड दिखा देता हूँ, देखो भाई जिसकी वजह से यहाँ पर इतना भारी मात्रा में भीड़ हो रहा है ना। देखिए हम लोग टिकट से कटा लिए हैं, अभी अंदर जाएंगे तो अंदर चलते हैं और अंदर का सारा सीन आपको को दिखाते हैं, कैसा है क्या है क्या नहीं है सारा सीन। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं चला अंदर, चलो इसको अपने पास में रखने का है। तो हम लोग आ गए हैं अंदर, देख सकते हो आप लोग इतना भीड़ यहाँ पर, क्राउड देख रहे हैं। तो यहाँ पे इतना भारी मात्रा में भीड़ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे लगता है मेरी वॉइस आप लोगों को सुनाई भी नहीं देती होगी। ये आपकी कोलकाता के मतलब कौन सी जगह है, चिड़ियाघर मतलब एरिया कौन है, खिदिरपुर में हम लोग आए हुए। खिदिरपुर में एक चिड़ियाघर जैसा मुझे आपको दिखाया, जूलॉजिकल। तो यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हो, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। कबीर ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मंकी है जो हमारे मोहल्ले में रोजाना वो आते रहते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आप लोग भी अपने घर के पास बहुत देखते ही होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो वीडियो तो एंड तक बने ही रहना भाई, क्योंकि सारा आप लोग यहाँ के दिखाना चाहते हो, भीड़ आप लोग देख लो, देख रहे हो ना भीड़, मतलब भीड़ नहीं है भाई, मेला यहाँ पे मेला लगा हुआ है। ये मेला एक छोटा सा, छोटा नहीं बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगा हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप लोग को दिखाते हैं और किस तरह से यहाँ पे भीड़ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना घनी आबादी है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है और इतना क्राउड है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा मतलब इतना भीड़ है कि क्या बताऊँ। ये सब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भीड़, और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की ओर, और यहाँ पर क्या चाहिए तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे में, यहाँ पे कुछ हम लोग कुछ अलग नज़र आ रहा है, क्या है देखिए, पता नहीं अंदर में क्या है, मगर चलिए देखते हैं क्या है अंदर में। आप दोस्तों यहाँ बिरयानी खाने में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे लोग कितने अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक भी मना रहे हैं, खाना पीना यहाँ पे, और काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके भी, मतलब देख सकते हैं आप लोग, मतलब मुझे ये माहौल देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो इसमें क्या चाहिए, सांप ऊपर का इसमें क्या है क्या, तो आइए फ्रेंड्स दिखाते हैं इसमें क्या है, पता नहीं कौन सी पैरट है शायद, हाँ आई थिंक पैरट, मगर ये कौन सा पैरट है ये नहीं पता, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी है, देखो मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो चलिए हम लोग और भी कुछ यहाँ सारे तोता जो हैं, तोता लोग सब बूढ़ा हुआ है, मतलब उनका उम्र हो गया, मामा लोग तोता जी लोग का जितना भी है सबका उम्र हो चुका है, एज हो चुका है, तो जो कि उनका मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ और चीज़ भी देखते हैं इंटरेस्टिंग यहाँ पर, और क्या क्या है ऐसा कुछ क्या है यहाँ पे, पता नहीं कुछ हो रहा है ना। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इतना भीड़ इतना क्राउड है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, तो आप लोग मेरे फ़ोन को देख करके आप लोग समझ लो कि यहाँ पे कितना क्राउड है, तो एक बार क्राउड आप लोग देख करके समझ लो, अगर आप लोग अपने फ़ोन से ही आप लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ क्राउड तो है, यहाँ पर जब सामने आओगे ना तब आप लोग यहाँ पर क्राउड बुझाएगा कि हाँ भाई क्राउड सच में। ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं क्या है ये, इसको पता नहीं भूल गए हम लोग, बोगला वोगला ये भी, अरे कौन सी बोलती इसको कौन सी कबूतर का, मतलब पिजन के सब संख्या में आते हैं ना कबूतर के, शायद हाँ कहाँ पे हैं। चलिए कुछ और भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं दोस्तों, जैसा कि अभी मैं जा रहा हूँ कुछ और भी आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे शायद लाइन शेर वाला था, शेर को कैसे देखें शेर शेर नहीं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे शेर नहीं है, यहाँ पे चिड़ियाघर के नाम पे खाली चिड़िया उड़िया यही सब है, मतलब अगला बगला जो जो रहता रहे हम देख रहे हैं सब मोहल्ला में तो उड़ते रहता है, देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे। मेन चीज़ तो इसमें इतनी भीड़ है कि मैं बता नहीं सकता, मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है।
और आप और कैसे कुछ दिखाने के लिए आ गए। अब यहाँ पे देखिए बस यही सब है, कौआ हुआ है, देखिए देखिए कौआ हुआ है, देख रहे ना सब रही सब अगला बगला कौआ जो आप लोग कॉलोनी में हमेशा देखते हो घूमते फिरते वही सब है। और कुछ ऐसा मुझसे कुछ नए तो नहीं नज़र आ रहा है। चलिए चलते आगे, यहाँ पे भीड़ आप लोग देख सकते हैं फिलहाल। जैसे कि फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं आगे और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मतलब कि देखते हैं कौन कौन सा एनिमल है यहाँ पे, तो सारे एनिमल का यहाँ पे आप लोगों को व्यू दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना ठीक है। और जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि भीड़ अभी किस तरह से यहाँ पर है। देख सकते हो आप लोग ये भीड़ जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। मतलब कुछ भी कर लो भाई, मतलब इतना बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड है यहाँ पे। टकरा मत जाना जिसमें। जैसे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये है लायन का मतलब उनका घर हो गया, यानी ये अपने शेर का घर है। बड़ा छोटा सा जगह दिया है और यहाँ पे शेर का तो कोई आता पता है नहीं। बुलाना कुछ बोल के अब यहाँ पे बट ये निकल नहीं रहा है, तो अभी शायद नहीं निकल पाते हैं। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, सब जगह खाली खाली है भाई, बस ये झूठ मूठ यहाँ पे भीड़ है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ठीक है ना। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आप लोगों को कुछ आगे दिखाता हूँ ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्फ है जो सियार के नाम से आप लोग जानते हो। आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पर है ये सियार। सियार बोलते हैं हम लोग इसको। एक मिनट जल्दी देखा जाओ, लेट गया साइड के देख सकते हैं यहाँ पे सियार लेटा हुआ है। ओए ओए सोई जाए देखो, सोई जाए जा सब कुछ ओके लो। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा जानवर है। सॉरी बंगाल टाइगर है। चलिए देखते हैं टाइगर कहाँ पे है। चलिए यहाँ पे टाइगर देखते हैं। चलिए बहुत भीड़ है, भीड़ की वजह से हम लोग टाइगर शायद देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं मैं आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों ये है क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो काफी मगरमच्छ की तरह लेटा हुआ देख सकते हो। एक यहाँ पर भी है।